नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉब पोर्टल पर। सभी एक्स सर्विसमैन वैकेंसीज, एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट कोटा, एक्स सर्विसमैन चिल्ड्रन कोटा, इसके साथ साथ जितने भी हमारी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जॉब जिनमें एक्स सर्विसमैन वैकेंसी निकलती हैं, उनके रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से, वैकेंसीज अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। इसके साथ साथ हमारे इस चैनल के अंदर हम अलग अलग विभाग, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर, इसके अलावा UPSC, SSC, CGL वगैरह, इसके अलावा जितने भी हमारी ऑल इंडिया अलग अलग विभागों में यहाँ पर वैकेंसी निकलती हैं, उसके अंदर अलग अलग पोस्ट के अंदर एक सर्विसमैन का कोटा कितना होता है, क्या वहाँ पर प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का, कितनी कट ऑफ एक सर्विसमैन की यहाँ पर रिक्वायर होती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो साइड में बेल आइकन आएगा उसे भी दबाएँ, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो अपडेट करें हम, उसकी नोटिफिकेशन आपके सामने तुरंत आ सके। ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की हमारी मेन टॉपिक, जो कि स्टेट वाइज कोटा फॉर एक्स सर्विसमैन है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, उनको जो यहाँ पर कोटा प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल या सिविल जॉब के अंदर, वो इस प्रकार है। जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, या जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगा, नेशनलाइज बैंक, पैरामिलिट्री फोर्सेज या डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स के अंदर जो यहाँ पर मेन कोटा प्रोवाइड किया जाता है, वो मेनली ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। जी हाँ, अगर हम बात करें सेंट्रल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर ग्रुप सी के अंदर 10% रिजर्व होता है हमारे एक सर्विसमैन के लिए, और ग्रुप डी के अंदर 20% रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें PSU या फिर नेशनलाइज बैंक की, तो ग्रुप सी के अंदर यहाँ पर 14.5% और ग्रुप डी के अंदर 24.5% यहाँ पर एक सर्विसमैन का कोटा होता है। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं या फिर डिपेंडेंट होते हैं एक्स सर्विसमैन के, जो कि किल्ड इन एक्शन होते हैं, उनका भी यहाँ पे हाफ जो परसेंट कोटा होता है वो रिजर्व्ड होता है। उसके आगे अगर हम बात करें, आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है स्टेट वाइज कोटा। अलग अलग स्टेट ने, कई स्टेट ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्रुप ए तथा ग्रुप बी के अंदर भी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को कोटा प्रोवाइड किया है। तो अलग अलग स्टेट ने अपने यहाँ पर अलग अलग जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग परसेंटेज यहाँ पर कोटा प्रोवाइड किया है। चलिए हम अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर यहाँ पर अलग अलग स्टेट में जो कोटा प्रोवाइड किया जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पहला स्टेट हम बात करेंगे आंध्र स्टेट की। तो आंध्र स्टेट के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आंध्र स्टेट के अंदर अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी की देखें, तो यहाँ पर इन्होंने ग्रुप ए तथा ग्रुप बी के अंदर कोई कोटा प्रोवाइड नहीं किया है। अगर बात करें हम ग्रुप सी और ग्रुप डी की, तो ग्रुप सी के अंदर इन्होंने 2% कोटा प्रोवाइड किया है, तथा ग्रुप डी के अंदर भी यहाँ पर 2% कोटा फॉर एक्स सर्विसमैन रिजर्व्ड है। उसके बाद बात करें अगर हम अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में भी सेम ए और बी के अंदर कोई कोटा यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन ग्रुप सी के अंदर यहाँ पर 10% तथा ग्रुप डी के अंदर 20% कोटा फॉर एक्स सर्विसमैन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सिमिलरली आसाम के अंदर भी ग्रुप ए और ग्रुप बी जो है उनके लिए एक्स सर्विसमैन को कोई कोटा नहीं दिया जाता, लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी वैकेंसी के लिए 2% ईच यहाँ पर कोटा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, तो यहाँ पर ग्रुप ए और बी में कोई कोटा नहीं है, लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर, ग्रुप सी की बात करें तो यहाँ पर 10% कोटा ग्रुप सी के अंदर दिया जाता है, और ग्रुप डी के अंदर जो पोस्ट निकलते हैं उसमें 20% कोटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। गोवा की बात करें, तो गोवा में भी सिमिलरली ए और बी के लिए कोई कोटा नहीं है, लेकिन सी के लिए यहाँ पे 2% तथा डी के लिए 2% कोटा यहाँ पर दिया जाता है। गुजरात की बात करें, तो गुजरात में यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए भी कोटा प्रोवाइड किया गया है। ग्रुप ए के लिए जो है वो 1% और ग्रुप बी के लिए 1% प्रोवाइड किया गया है। बात करें ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी के अंदर 10% तथा ग्रुप डी के अंदर 20% कोटा यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। आगे हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के अंदर भी यहाँ पर हमने बता दिया ग्रुप ए के लिए 1%, ग्रुप बी के लिए 1% और ग्रुप सी के लिए 10% और ग्रुप डी के लिए 20% रिजर्व्ड है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी अच्छा कोटा यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को दिया जा रहा है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, चारों के अंदर यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का 15% कोटा यहाँ पर रिजर्व्ड है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ए और बी के अंदर यहाँ पर कोई कोटा
अवेलेबल नहीं है एक्स सर्विसमैन के लिए, लेकिन सी और डी के अंदर 66% यहाँ पर रिजर्व कोटा दिया गया है। झारखंड की बात करें तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें उन्होंने यहाँ पर कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में किसी भी यहाँ पर कोटा, किसी भी ग्रुप पे कोटा प्रोवाइड नहीं किया है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है कि 10% टोटल ए बी सी डी चारों पोस्ट के लिए यहाँ पर 10% कोटा प्रोवाइड किया गया है। केरला ने भी यहाँ पर कोई कोटा प्रोवाइड नहीं किया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ए और बी में आपको कोई कोटा प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ग्रुप सी में 10% तथा ग्रुप डी के अंदर 20% कोटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर देखेंगे कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर भी यहाँ पर ए बी के अंदर कोई रिजर्व कोटा नहीं है, लेकिन सी और डी के अंदर आपको 15% यहाँ पर कोटा मिल जाएगा। मणिपुर के अंदर ए के अंदर कोई कोटा नहीं है, लेकिन बी के अंदर 2% रिजर्व्ड है और सी के अंदर 3% तथा डी के अंदर 5% एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर कोटा दिया जाता है। सिमिलरली मेघालय के लिए ए और बी के अंदर, मेघालय की बात करें तो इसमें चारों पोस्ट किसी भी ग्रुप के लिए यहाँ पर कोई भी कोटा अवेलेबल नहीं है। मिजोरम के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर ग्रुप सी में 10% और ग्रुप डी में 20% यहाँ पर रिजर्व्ड है। आगे हम बात करें कि जो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हो पंजाब में भी यहाँ पर आप देख पा रहे हो टोटल चारों पोस्ट के लिए 13% का कोटा जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। आगे बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में फिलहाल जो चेंज किया गया है यहाँ पर ए और बी के अंदर जहाँ पे 0% दे रखा है, तो यहाँ राजस्थान सरकार ने ग्रुप ए की वैकेंसी जो है उनके लिए भी 5% का कोटा यहाँ पर रिजर्व कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर 2018 में ही इसकी घोषणा हुई है। और इसके बाद ग्रुप सी की बात करें तो 12.5% यहाँ पर ग्रुप सी तथा 15% ग्रुप डी के अंदर यहाँ पर आपको कोटा दिया गया है। सिमिलरली आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर एक जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है इसके अंदर भी 13% ग्रुप ए, बी और सी और डी के लिए यहाँ पर रिजर्व कोटा दिया गया है। पुंडिचेरी की बात करें तो 10% यहाँ पर सी के लिए और 20% डी के लिए दिया गया है, लेकिन ए और बी के लिए यहाँ पर कोई कोटा प्रोवाइड नहीं किया है। तो इस वीडियो के अंदर हमने अलग अलग पोस्ट के लिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए स्टेट वाइज हर स्टेट आपको कितना कोटा प्रोवाइड किया है उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। आशा करते हैं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी और बने रहे हमारे साथ ताकि लेटेस्ट अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। इसके साथ साथ अगर आपको एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड किसी भी वैकेंसी या फिर ऑल इंडिया जॉब वैकेंसीज के बारे में जानना है या फिर रिलेशनशिप भर्ती या फिर जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट हैं उनको कहाँ पर कितना कोटा प्रोवाइड किया जाता है, रीएम्प्लॉयड हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके बच्चों को कितना कोटा प्रोवाइड किया जाता है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर इस चैनल पे जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा इसके बाद जो हमारी वीडियो आने वाली है उसके अंदर हम अलग अलग विभाग जैसे रेलवे विभाग हो गया, बैंक के अंदर जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको कितना कोटा प्रोवाइड किया जाता है और किस तरह उनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, कितनी उनकी कट ऑफ जाती है, उसका पूरा विवरण 1x1 वीडियो बनाकर आपको देंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही हम लेटेस्ट वीडियो डालें आपके सामने अपडेट आ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।